अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, बाद होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू YouTube चैनल। चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं करता सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। पाकिस्तान जीतेगा आज। भाई ने आपके शर्ट पहन लिया पाकिस्तान की, दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आज जीतना है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। घबराना नहीं है किसी ने, घबराना नहीं है किसी ने अगर जीत गया पाकिस्तान, क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। आप लोग तो सोच रहे हो कि फ्री पॉइंट्स मिलेंगे दो, लेकिन भाईजान ऐसे नहीं, हमारी टीम इतनी भी वो खराब नहीं है इस वक्त। तो आज की वीडियो कर लेते हैं द स्क्रीन पत्तीज, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान स्पेशल, इंजी बाई अनबॉक्सिंग क्रिकेट किट, सारी वीडियोज आज इंडिया पाकिस्तान पे कर देते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके अलावा कुछ चल नहीं रहा न्यूज में, यही मेन टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। अरे इंजी भाई क्या कर रहे हैं, ये हमारा वाला गाना नहीं है। अरे चैंपियंस ट्रॉफी की बात तो हमारा ही हुआ ना। हाय 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 हाय, क्या बात है। अरे आग बांध करके लेके आए हो, पट्टी तो हटा दो अगर आ गए तो। क्या तुम भी, ये कहां ले आए मुझे, ये तो हमारा स्टूडियो नहीं लग रहा। अरे इंजी भाई वो कैमरामैन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से आए हुए थे ना, तो उन्होंने एंड टाइम पे पाकिस्तान आने से मना कर दिया, तो हमें आपको तारों के नीचे से यूए लाना पड़ा। चलो कैसे बगैरत लोग हैं यार ये, हमने तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी थी ना। हाँ इतना भी क्या डरना, अरे डर के आगे तो जीत है, जीत है। डक डक सब डक सब डक सब डक। फोन है ओए यार, बम वाली आ रहा था। इंजी भाई आज बहुत ही फनी टॉपिक पर वीडियो कर रहे हैं। अच्छा फनी मतलब पक्का मैच फिक्सिंग की बात कर रही है ना। अरे कोई बड़ा मसला नहीं है, अभी सलमान भट्ट को कॉल करता हूं। ओ सलमान, पाकिस्तान आ रहा है इनसाइड इंफॉर्मेशन। अरे इंजी भाई क्या कर रहे हैं, हम लाइव है सब देख रहे हैं। लाइव चल रहा है मतलब कट नहीं कर सकते? नहीं। इंजी भाई अनबॉक्सिंग क्रिकेट किट, बताइए तो सही करना क्या है। ये लीजिए क्रिकेट किट है ये। देखा देखा सा लग रहा है, ये क्या है क्रिकेट किट? आखिर पाकिस्तान टीम को मेरी जरूरत पड़ गई बताइए। तो मैं अकेला जा रहा हूँ या वजीर आजम भी साथ चल रहे हैं? अरे इंजी भाई क्रिकेट किट की अनबॉक्सिंग करनी है। अच्छा, ये वही तो नहीं, इनसे बाबू लग गया है जो वीडियो बना रहा है वही तो। तुम शोएब मलिक को खिला सकते हो लेकिन मुझे नहीं खिलाओगे तुम। इमरान खान की भी मैं नहीं कर रहा यार, वो नहीं नहीं वो नहीं है। चेक 1900 एंड अब पैसे मिल रहे हैं तो कार लेता हूं। वो 1000 रुपए में बिक गया इंजी भाई, जो रिटायरमेंट के बाद में फ्री में काम करूं। इंजी नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक क्रिकेट किट है और ये कोई ऐसी वैसी किट नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे आला टीम पाकिस्तान। क्या बात है, तो आइए देखते हैं किट के अंदर क्या क्या मिलता है। जूते डिफरेंट डिफरेंट, ये दो अलग अलग जूते देख के चौंकिएगा नहीं। भारत से हारने के बाद पाकिस्तान की अवाम ने हमें ये 2003 में तोहफा दिया था और ये 2007 में। आगे बढ़ते ओहो तो नाजरी पाकिस्तान किट में आपको कुछ मिले ना मिले स्टंप जरूर मिलता है। जीतते हैं ना, मैच में कुछ उखाड़ तो नहीं पाते थे इसलिए स्टंप ही उखाड़ लेते थे। अरे अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आप दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे। क्या बात है, ऐड आई है, ऐड आई हुई है। अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। बेस्ती हुई यार उसकी। क्या आपके दोस्त आपको ए टकला है? क्या ब्लेजर्स नटखट अमेरिका और नेक टैक्सी आपको जॉब ऑफर करती है? क्या आपकी बेबी आपका चांद देखकर करवा चौथ का व्रत?
तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक चमत्कारी तेल। ये तेल नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। इस तेल का उपयोग बहुत ही आसान है। इसको अपने हाथ में लीजिए, अब उस हाथ में लीजिए और अब मलिए, मलते रहिए, मलते रहिए, मलते रहिए, मलते रहिए। चंपी कर दीजिए। चलो चलो, देखिए भैया, इस तेल को लगा के बाल तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपका दिमाग जो है एकदम ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई गंजा बोले, कोई अमिताभ बच्चन बोले, रेडियो से ज्यादा अच्छी तो ये ऐड है। ऐड हो गई क्या है? घबराइए नहीं। ओ, सफाई कोई ऐसी वैसी ब्रश नहीं है, ये अफरीदी भाई की ब्रश। ओ, जहां तक मुझे याद है दिन में वो चार बार ब्रश तो करते थे, बदबू कभी गई नहीं, लेकिन दांत जरूर मजबूत हो गए। लेदर बॉल जो चबाना होता था। ओ, बॉल टेम्परिंग। ऐसे 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 करके उसने खाई थी। बोला अफरीदी ने, अफरीदी ने। क्यों? किताब सा मिला? टेम्परिंग के लिए। इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। इंजी भाई यार, ये बड़ा वैसे है इंग्लिश। इंजी भाई क्या हुआ? इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेरी वेल। खैरियत तो है? इट वाज एन एक्सीलेंट विन फॉर यू इंजी। यू वांट टू से समथिंग इन इंग्लिश? इंशाल्लाह द बॉयज प्लेड रियली वेल द पिच वाज वेट एंड द रेन वाज हेवी। आई कुड नॉट गेट रन आउट। इट वाज गुड गेम। हो गया, हो गया, हो गया। याद किया वादा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जनाब, आपने अंग्रेजी बोलकर हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। निशाने पाकिस्तान दे दिया। थैंक यू वजीर आलम, आई लव यू। बहुत बढ़िया, आराम से। जी भाई ठीक है? क्या दिन याद आ गए जी भाई को? हां, अल्हम्दुलिल्लाह सब 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 खैरियत। अगला आइटम ये तो बेसबॉल बैट। बेसबॉल बैट टीवी तोड़ने के काम। चलो राखी लेता हूँ, आपस से तोड़ना ही तो है। नेक्स्ट है तुम्हारा हैंड टावल। बीच में श्रीशांत ले गया था बिना पूछे, तो पता है ना क्या हुआ था उसके साथ। इसलिए कहता हूँ कि जिसका काम है उसी को करने दो। नाजरीन, अब जाके निकली ना इतनी नेगेटिव चीजों में से इकलौती पॉजिटिव। ये क्या है, सीडी? ये कोई आम सीडी नहीं है, ये हमारी इकलौती फतेह की निशानी है। वो तो तुम YouTube पे भी देख सकते हो ना। ये शोएब भाई और सानिया भाभी के निकाह की सीडी है। वो टीम का मोराल अप रखने के काम आता है ना, इकलौती फतेह। आज रात यही देखूंगा। अब दिखाता हूँ आपको इस किट का सबसे खुफिया इलाका। ओ, ये देखिए। ये क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या था वो? हमारा सीक्रेट हथियार निकल गया था। FIR? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या निकलता। अरे इंजी भाई क्या हुआ? ये क्या इंजी भाई कहाँ जा रहे हैं? क्या मिल गया इंजी भाई को? क्या मिल गया? अरे इंजी भाई ऐसा भी क्या निकल गया? मेरे पुराने जख्म सामने आ गए। इंडिया की टिकट 2009 में कटवाई थी पहली IPL जाने के लिए। देखिए हर साल टिकट कटवा के दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते थे, लेकिन ये BICS वाले। इंजी भाई BCCI? हाँ भाई, BICS वाले कभी नहीं होता, भेजते ही नहीं है। मैं नहीं कर रहा यार कोई अनबॉक्सिंग, नहीं कर रहा मैं। पुरसुकून हो जाइए इंजी भाई, हमने सुना है अगले साल IPL में कमेंटेटर्स का नया लॉट आ रहा है। पाकिस्तान से भी बुलाया है सबको। अरे रमीज भाई ने तो वीजा भी करवा लिया। मुझे तो पहले से ही पता था, पिछला वाला काट कर देना, काट कर देना। ये पता था कि BCCI जो है वो दुनिया की इतनी आला ऑर्गेनाइजेशन है, तभी तो क्रिकेट का जो है वो पूरा जिम्मा संभाल के बैठी है ना। अरे चलिए चलिए चलिए, व्यूअर्स को आगे का सामान भी दिखाना है। और हाँ, एक सरप्राइज आइटम भी है। चलिए चलिए दिखाता हूँ क्या। आइए आइए आइए। तो ये था सरप्राइज। ये क्या है? मजे आ गए, मजे आ गए। अब मैं पीजे खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा,
और जज्बाती बिल्कुल नहीं होऊंगा। ये किस पे किया हुआ पता नहीं मुझे, और इन्होंने बर्गर खवाओ पिज्जे खवाओ ये वही वाला है। तो आज हमने की क्रिकेट किट की अनबॉक्सिंग, जिसमें से हमें मिले क्रिकेट के सामान और ये मास्क नहीं है गार्ड है शोएब भाई का है। उम्मीद है कि आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो काफी मजेदार लगा होगा एकदम इस बर्गर की तरह। और इस नॉस्टैल्जिया के लिए मैं देना चाहूंगा 5 में से पूरे के पूरे 6 सितारे और DRS में नो डाउट। ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और हाँ खुश रहिए। अलविदा। ये थी वीडियो और आज मैंने कहा यार कोई डिफरेंट वीडियो करनी ही नहीं है आज, इंडिया पाकिस्तान ही जाने दो। मैं एक और वीडियो ले ली मैंने कहा इंजी भाई अनबॉक्सिंग ठीक है क्रिकेट किट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्पेशल। तो ये वीडियो यार वाकई यार हाइप बहुत ज़्यादा भाई जान। ये कौन लोग थे जो कह रहे थे कि भाई हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमने तो कभी हाइप ही नहीं क्रिएट की इस मैच की, अच्छा। पाकिस्तानी मीडिया ही करता है, हर बंदे ने वीडियो बनाई हुई है। भाई जान ऐसे नहीं होता, ये मैच की हाइप है, आप जो मर्जी कर लो, आप इससे जो है वो अवाम इससे जुड़ी हुई है। लाइक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच मैं कहता हूँ इस वक्त तो लोग अभी से एक्साइटेड होंगे, अभी से इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट होगी होगी, लोग डिफरेंट किस्म की स्क्रीनिंग कर रहे होंगे, जा रहे होंगे किसी के घर जा रहे होंगे, इकट्ठे बैठ के देखना होगा लोगों ने मैच। तो ये क्या कि यार बड़े इंटरेस्टिंग है, आपका क्या मानना है इस पर, क्या लगता है कौन जीतेगा? देखो पहले भी मैंने कह दिया था कि मुझे तो जो स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है ना वो इंडिया ही लग रही है, इंडिया ही लग रही है। तो बाकी पाकिस्तान का भी कुछ भरोसा नहीं है, एंड टाइम पे कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब के अगर हारा हुआ मैच भी जीत जाते हैं, जीता हुआ मैच भी हार जाते हैं, उनका कोई मतलब कि इतना वो नहीं है। तो एंड तक होप रखनी चाहिए, बेस्ट ही हो बस कुछ। हाँ यार हम तो यही चाहेंगे हमारी कंट्री के जो है जीते, आप लोग भी ये चाहोगे, आप लोग ये चाहोगे इंडिया जीते, हम लोग जाएंगे पाकिस्तान जीते, कौन चाहता है कि भाई जान के हाँ ना हो। इसलिए आपके भाई ने आज शर्ट भी पहन लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे आज। और भाई जान हमारा बंदा पहुंच चुका है उधर, इससे मैंने ना पहले ही चीजें मंगवा लेनी है, स्नैक्स वगैरह इकट्ठे कर लेंगे, तो फिर जब मैच स्टार्ट हो जाएगा फिर हम मैच देखेंगे साथ साथ स्नैक्स खाएंगे। हो सकता है हमारा मेरा कोई प्लान हो दोस्तों के साथ, हो सकता है मे बी मैं जाऊं देखने मैच, बनाएंगे प्लान। हमारा बंदा पहुंच चुका मोमिन साहब के वो मतलब के वहां जाके, मैंने शुरू में इसकी पहली मेरे ख्याल से लगता पहली वीडियो आ गई थी, सबसे पहले पहुंचा ग्राउंड में वो बंदा पहुंच चुका है, उसने आप लोगों को एंटरटेन करना है, वो वही बंदा है जो वो कहता था इन्होंने बर्गर खवाओ इन्होंने पिज्जे खवाओ, बस वो थोड़ा स्मार्ट हो गया इसलिए थोड़ा चेंज लग रहा है। ओ भाई मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार ये मजाक हो रहा है। मैंने सुबह सुबह ना मैं उठ के मैंने मोबाइल देखा, उससे पहले उसकी इंस्टाग्राम पे वीडियो आई हुई थी, ऊपर ही मेरे कहा यार ये पहुंच गया भाई जान, वो नहीं छोड़ता ये मैच ठीक है। तो ये है कि यार अगर कुछ ऐसा सीन हुआ ना तो मुझे लगता है उसको हार्ट अटैक आ जाना, उसने तो सामान भी पैक कर लिया, उसने वहीं पे सोना जब तक पाकिस्तान नहीं जीतेगा। तो ये है कि यार इंजी भाई की वीडियो भी बड़ी जबरदस्त थी, इंजी भाई जो दिखाए हुए थे पैरोडी थी यार, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा कि वो इंजी भाई को उन्होंने, हमारे लेजेंड है एक इंजमामुल हक, बड़ा रन किए हुए उन्होंने, वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोर है ना पाकिस्तान के। तो ये है कि यार पैरोडी थी उस हिसाब से ठीक है, लेकिन ये है कि यार लाइक मजाक इतना नहीं बनाना चाहिए दो, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं जाहिर है, लेकिन ये है कि मैं इसको एज अ पैरोडी लूंगा कि उन्होंने एज अ पैरोडी की है और वो बंदा बताया हुआ बीच में। तो यह है कि यार इतने बड़े हैं दूसरी के एक दूसरे के पास, और इंजमामुल हक तो वैसे ही बड़े एक जिसको कहते हैं ना न्यूज़ में रहने वाला एक नाम, अच्छा। है जब मैच के दौरान भी बड़े बड़े ऐसे इंसिडेंट किए हैं इंजमामुल हक ने। तो ये है कि यार देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें।